हिमाचल प्रदेश के ऊना में अदालत ने रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण मामले पर भूमि मालिकों को पैसा नहीं दिए जाने के कारण ऊना रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी नीलाम किए जाने के आदेश पारित किए हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना में रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण मामले में प्रभावित किसानों को लंबे समय तक लाखों रुपए का मुआवजा नहीं दिए जाने पर ऊना की अदालत ने कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने ऊना रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी को नीलाम कर किसानों का पैसा दिए जाने का आदेश दिया। इससे पूर्व अदालत के आदेश के बावजूद रेलवे ने कई बार कोर्ट में पैसा जमा करवाए जाने के लिए समय मांगा, लेकिन हर बार रेलवे अपने ही किए वायदे पर खरा नहीं उतरा और पैसा जमा नहीं करवाया, जिसके बाद अब अदालत ने तीन मामलों में ऊना के 12 प्रभावित परिवारों की सुनवाई करते हुए रेलवे को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने रेलवे के लापरवाह रुख का हवाला देते हुए अपने कड़े निर्णय के तहत ऊना रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी को नीलाम किए जाने के आदेश दिए। अदालत ने इस नीलामी से आए पैसे से प्रभावित किसानों का पैसा चुकता किए जाने के आदेश दिए। ये केसेस जो है, कुछ तो 1998 में जमीन अक्वायर हुई थी जो रेलवे लाइन बिछाने के लिए ऊना से चुरुड़ू, ये तीनों केसेस जो हैं वो उसी से रिलेटेड है। और इसके इन केसों में जो रेलवे विभाग ने पैसा दिया था वो बहुत कम था, लोगों ने उसके ऊपर अपने ऑब्जेक्शंस फाइल किए थे, जो कोर्ट में डिटर्मिनेशन के लिए आया था जिसमें मार्केट वैल्यू एनहांस की गई थी और उसी के ऊपर ये केस डिसाइड हुए थे। उसके बाद कोर्ट में जो हमारा क्लेम बनता था, जो अप टू डेट हमारा जितना अवार्ड अमाउंट बनता था, उसको लेकर हमने ये इजराएं फाइल की हुई थी, जिसके बीच में अमाउंट को हमने अपना कैलकुलेशन फाइल किया था कि हमारा इतना बनता है जो भी लेटेस्ट है इंटरेस्ट वगैरह लगा के, और उसके ऊपर उन्होंने जमा करवाना था। उनको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दी गई कि पैसा जमा करवाए, और रेलवे के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने भी कई बार रेलवे विभाग को लिख के भेजा कि ये पैसा जमा जल्दी से जल्दी करवाया जाए। ऐसा है, जो ज़मीन कोटला की हमने अटैच करवाई है उसमें ऊना का शायद रेलवे स्टेशन का भी कुछ पार्ट और जो वहाँ रेलवे की रिहायशी कॉलोनी बनी हुई है, रेजिडेंशियल हाउसेस बने हुए हैं, वो उसके बीच में आएंगे। तो मैं खाली 4-5 किसान है या और भी ऐसे किसान है जो अभी इसके अलावा भी बहुत से केसेस हैं जिनके बीच में अटैचमेंट के ऑर्डर्स हो चुके हुए हैं। हम लोगों ने लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी फाइल कर दिया हुआ है रेलवे का, जो भी इनके नाम पर रेलवे विभाग के नाम पर जमीन है उसी को हमने उसके बीच में दिया है, जो अलग अलग गाँव में है। और अभी मैंने मलाहत नगर में जो लैंड है उसका 4-5 केसेस में मैंने फाइल किया है, तो उसमें भी अटैचमेंट के बाद नीलामी का प्रोसेस जारी होगा अगर रेलवे विभाग पैसे नहीं जमा कराएंगे तो। कब तक जो नीलामी की जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? सर, इनको डेट दे दी गई है, तहसीलदार साहब को 6/2 को नीलामी करने के लिए कहा गया है। सतपाल बनाम LAC और दर्शना देवी वर्सेस LAC जो केस है इन दोनों के बीच में, योगेश ज्ञानचंद वाले केस में 18/2 के लिए डेट फिक्स की गई है नीलामी की। अदालत ने नीलामी के लिए रेलवे से उसकी संपत्ति की सूची मांगी थी, जिसके बाद रेलवे द्वारा दी गई सूची में से रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी को नीलामी के लिए चयन किया। अदालत ने नीलामी की प्रक्रिया के लिए ऊना तहसीलदार को इसका अधिकारी नियुक्त किया है। नियुक्त अधिकारी दो मामलों में 6 फरवरी को और 18 फरवरी को अदालत को रिपोर्ट करेंगे, जिसके बाद फरवरी में ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि से प्रभावितों के बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ऊना के त्यूड़ी बसाल्ब चुरुड़ू के कुछ किसानों की भूमि का रेलवे ने लाइन बिछाने के लिए अधिग्रहण किया गया था। इस भूमि के उचित दाम न मिलने पर प्रभावित लोगों ने रेलवे के खिलाफ अदालत में अपील की थी। अदालत ने रेलवे को भूमि की वर्तमान दरों के आधार पर मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए थे। रेलवे की ओर से शिमला हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जहां हाईकोर्ट ने ऊना की निचली अदालत के फैसले को सुरक्षित रखते हुए फिर से मामले को जिला न्यायालय में भेज दिया था। अदालत ने रेलवे की इस पूरी संपत्ति को अटैच कर दिया था। इसके बाद अदालत ने अब इस भूमि की नीलामी के आदेश जारी कर दिए हैं। अदालत द्वारा राजस्व विभाग को इस भूमि की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए सहयोग करने को कहा गया। आदेशों के मुताबिक अदालत की निगरानी में इस भूमि की नीलामी होगी और उसमें प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा। ये सर, हमने एक प्रभावित लोगों की तरफ से केस किए थे कोर्ट में और कोर्ट ने वो केस अलाउ कर दिए थे
उसके बाद हमने इजराय डाली थी कोर्ट में एग्जीक्यूशन, ताकि लोगों को पैसा दिलवाया जा सके। लेकिन हाजिर होने के बावजूद रेलवे जो है वो कोई भी उचित कदम नहीं उठा रहा है और ना ही वो कोर्ट में कोई पैसा जमा करा रहा है कोर्ट के आदेशों के बावजूद। इसकी वजह से कोर्ट ने हमें हिदायत करी कि आप इनकी जो प्रॉपर्टी की लिस्ट है वो फाइल करें। हमने वो प्रॉपर्टी की लिस्ट इनकी जो है वो फाइल कर दी कोर्ट में, और उसके पहले तो वो प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की गई, और अब उसके बाद तीन केसों में रेलवे की जो प्रॉपर्टी है वो उसके सेल वारंट जारी हो चुके हैं। तीन केसों में सेल वारंट जो है वो उनमें तीन तीन तारीखें पड़ चुकी हैं। पथपाल वर्सेस एलएसी, यह है दिलमा गांव का, और दूसरा है दर्शना देवी एलएसी, यह है ठट्टर गांव का, और तीसरा है योगेश ज्ञानचंद वर्सेस एलएसी, यह है त्यूड़ी गांव का। तो इनमें अमाउंट भी काफी इन्वॉल्व है, जैसे सतपाल में 10,40,153 रुपए का अमाउंट इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट पढ़कर ये करीब 12-13 लाख का हो जाएगा, और दक्षिण देवी में 50 लाख के करीब का अमाउंट है जो कि बढ़कर 55 लाख के करीब हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, और योगेश ज्ञानचंद में 1.5 लाख का अमाउंट है जो कि 2 लाख को पहुंच जाएगा। तो इनमें जो है वो कोर्ट ने तरीके डाल दी है जिसमें 6/2/2020 जो है वो सेल के लिए हिदायत जारी करी है तहसीलदार ऊना को। दो केसों में 6/2 और 6/2 के लिए हिदायत जारी हो चुकी है, और रिपोर्ट देनी है सतपाल एलएसी में, रिपोर्ट देंगे तहसीलदार साहब कोर्ट को।